हम लोग लाहौर में थे, मेरे जो नाना थे वो भी पॉलिटिशियन थे लेकिन वो राइटर भी थे, तो मैं मुझे ये बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा अब कैसे क्या हुआ। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा छोटा सा कि एडवेंचर्स ऑफ अ रुपी, कि एक रुपया का क्या क्या कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है। तो उसमें मैंने लिखा कि कभी किसी गरीब के पॉकेट में जाता है, फिर वहाँ से कहीं वो किसी ख़रीदार के पास जाता है, फिर किसी दुकान वाले के पास जाता है, वो पॉकेट से फिर वो किसी और को देता है। ऐसे करते करते पूरी सोसाइटी का, मैंने 10 साल की उम्र थी मेरी, तो मैंने ये लिख के फिर अपने नाना को दिखाया, तो वो राइटर भी थे पॉलिटिशियन भी थे, तो उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने मुझे, ये थी कौन सा साल, ये था पता नहीं 40s के क्या, उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए, और उस वक्त 10 रुपये तो मेरा ख्याल है 1000 के बराबर हो, तो मैं तो बहुत खुश हुई और बड़े 10 रुपये लेके खूब घूमी। तो शुरुआत तो लिखने की वहीं से हुई एक्चुअली, और अब ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों हुई कैसे हुई, मुझे लगता है शायद नाना का इन वो उनको उनकी बातें सुन सुन के, फिर सारे फैमिली पॉलिटिशियन की थी और लिखने वाले की, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ। और फिर पहली किताब, फिर किताबों से तो पहले जर्नलिज्म में थी, तो बहुत अखबारों में लिखा, बहुत आर्टिकल्स, फिर मैंने अपनी एक मैगज़ीन भी शुरू की, अपनी मैगज़ीन सर्च था। और नहीं, पहली, सबसे पहली तो मैं पहली एडिटर थी इंडिया टुडे की, हाँ पहली एडिटर इंडिया टुडे की, लेकिन उसके पहले मैंने अपना ये शुरू कर दिया था सर्ज इंटरनेशनल। और मैंने अरुण पुरी को कहा, मैंने कहा मैं अपनी मैगज़ीन तो बंद नहीं करूँगी, तो कहता कोई डर नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। उसने कहा कि हम लोग तो इंडिया टुडे बाहर भेज रहे हैं और तुम अपनी मैगज़ीन बेशक यहाँ निकाल के रहना। सो आई वाज, मतलब मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन फिर वो एक डेढ़ साल मैंने किया, लेकिन मेरी आदत अपने काम की करने की थी, तो किसी और के साथ मेरा मतलब बात बनती नहीं है, तो फिर मैंने अपना मैगज़ीन ही चलाया।